विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के बाद से बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बांदा के कई मोहल्लों में कई दिनों से बिजली नहीं आई है और साथ ही पानी भी नहीं आया है। आज पलहरी गांव के लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर घंटों प्रदर्शन किया। इस मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने समझा बुझाकर किस तरह जाम खुलवाया है और पलहरी गांव की मुख्य सड़क पर अनशन पर बैठे इन लोगों का कहना है कि उनके यहाँ पर ट्रांसफार्मर फूक गया था और पिछले 5 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी ट्रांसफार्मर बनाने नहीं आया। लाइट ना आने की वजह से पानी भी नहीं आ रहा है और सभी की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। पानी लेने के लिए पैदल चलकर हैंडपंप जाना पड़ता है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। आज पल्ली गांव के ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर कई घंटों तक जाम लगाए रखा और मौके पर पहुंचे अधिकारियों द्वारा आश्वासन देने के बाद ही जाम को खोला गया है। आपको बता दें कि बांदा शहर के कई मोहल्लों में पिछले 5 दिनों से बिजली की आपूर्ति नहीं होने से पानी की भारी किल्लत है। तो और विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। वहीं तमाम व्यवस्थाओं के चलते जनता त्राहिमाम कर रही है। अच्छा पानी है, क्या दिक्कत हो रही है? बस पानी नहीं है, सब बच्चे को पढ़ाई चालू है, कुछ चालू है, पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, गर्मी हो रही है, पानी पीने के स्कूल नहीं है। किसी अधिकारी से बात की आप लोगों ने? हाँ हमने की है, कागज भी दिया है, कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं, कोई नहीं है सुनाई नहीं। जाम लगाना पड़ा, जाम लगाना पड़ा, क्या करें, बच्चे प्यास से मर रहे हैं। बांदा से अभिषेक शुक्ला हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं? ये विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल है, इसका अब व्यापक असर दिखने लगा है, क्योंकि अब ये सीधे सीधे आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है। करीब 4-5 दिन से बांदा के दर्जन भर मोहल्ले हैं वहां लाइट नहीं आई है, क्योंकि बनाने वाला कोई कर्मचारी नहीं है। प्राइवेट स्तर पर जो प्रशासन ने इंतजाम कर रखे हैं, SDM सिटी मजिस्ट्रेट को एक एक सब स्टेशनों का प्रभार दे रखा है, लेकिन SDM और सिटी मजिस्ट्रेट तो बनाएंगे नहीं, उसके लिए भी कर्मचारी चाहिए। और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं अलग से विद्युत कर्मी, उनको फॉल्ट ढूंढने में बड़ा समय लगता है, उनको पूरा सेटिंग नहीं पता है। विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको पता है और वो हड़ताल पे हैं, इस वजह से अब ये समस्या गंभीर होती जा रही है। लोगों के बिजली और पानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर बिजली नहीं आएगी तो पानी भी जाए सी बात नहीं आएगा, और दोनों ही महत्वपूर्ण अंग है दैनिक दिनचर्या का। इसकी वजह से जनता बेहाल हो रही है, मच्छरों का प्रकोप हो, पढ़ाई न कर पाना हो, समय से ऑफिस या स्कूल जाना हो उसके लिए भी लेट हो जाता है। तो अब ये हड़ताल को किसी न किसी तरह सरकार को देखना होगा, वरना जनता को काफी समस्या हो जाएगी। ये अभिषेक, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। मोथरा के थाना हाईवे इलाके में एक ढाबा संचालक को पुरानी रंजिश के चलते नामजद लोगों ने गोली मार